हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास पदाधिकारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3। इसमें हम लोग रीजनिंग, जीके और हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए इस मॉक टेस्ट में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पढ़ लीजिए और उसके बाद आप जवाब दीजिए। पहले खुद से जवाब देने का कोशिश कीजिए, बाद में आप उसको मैच कर सकते हैं कि आपका जवाब जो था वो सही था या गलत था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था वो किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ऑप्शन पढ़ने हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आपको अगर सीधे सीधे क्वेश्चन का सही जवाब पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई तब वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? आपको बताना है कि चंबल नदी का प्रवाह किन किन राज्यों में होता है। चार ऑप्शनों के पास दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। आप पहले खुद से कोशिश कीजिए जवाब देने का। कपास के कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कपास के कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। आसान सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है, आपको बताना है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थे हमारे जीके के 10 क्वेश्चन। अब हम लोग रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एस का मतलब है गुना, वी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़, एल का अर्थ है भाग, तो ये यहाँ पर दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि सही जवाब क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, बस इसमें यह ध्यान देना कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व तो इसको सब लोग कर लेंगे। तो आप लोग इसको यहाँ पर पुट कीजिए कि एस के जगह पर गुना का, वी के जगह पर घटाओ, एम के जगह पर जोड़ और एल के जगह पर भाग का, और आप इसको सॉल्व कीजिए। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 177। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और एक क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए जवाब देने का। आपके लिए हम बता दें कि ये जो 1331 लिखा है ये 11 का क्यूब है। अब आप कोशिश कीजिए,
ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट में देखिए यहाँ पर 9, इसमें फिर 9 ऐड कर दिया गया 18 हो गया, फिर 9 ऐड कर दिया गया 27 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर से चल रहा है तो ये 11 होगा, यहाँ पर 121 यानी कि 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। तो सही जवाब हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पर होना चाहिए 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, उसमें से विषम अक्षर को चूज करना है कि क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए जवाब देने का। देखिए यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए में, जे से आप एम में देखिए, डी से जी में देखिए, आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है। जे के बाद आप पढ़ सकते हैं के एल, उसका एम आएगा, डी के बाद में ई एफ जी आएगा, सब में आपको सेम डिफरेंस मिलेगा। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, बाकी सब में देखिए, बाकी सब में सेम डिफरेंस है प्रत्येक के बीच में, और यहाँ पर जो है वो अलग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर अंकिता है, ये पश्चिम की तरफ चलती है 35 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ गई और चली इसने 50 किलोमीटर, उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। अपने दाएं मुड़ी यानी कि इधर मुड़ के ये 35 किलोमीटर चली, यानी कि वो वापस यहाँ पहुँच गई। तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर, देखिए इधर जब ये 50 किलोमीटर चली है तो इधर भी इसके बीच का दूरी कितना होगा, 50 किलोमीटर ही होगा। तो सही जवाब हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से किस तरह संबंधित है। मान लीजिए कि ये इसके दादा हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे, दादा को डी ही मान लेते हैं, बेटे को बी मान लेते हैं। वह लड़का उस पुरुष से दादा के बेटे का ये मान लीजिए कि ये उसका ब्रदर है, ए मान लीजिए, तो दादा के बेटे के भाई का बेटा। वह लड़का उस पुरुष से किस के भाई का बेटा है, वह लड़का उस पुरुष से किस तरह संबंधित है। देखिए अगर दादा के बेटे के भाई का बेटा है, यानी कि ये इसके फादर हैं, तो ये इसके अंकल हो जाएंगे, अंकल का बेटा यानी कि चचेरा भाई, तो लड़का उससे किस प्रकार से संबंधित है, तो वो उसके चचेरे भाई हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, ये उसके दादा हैं, ये उसके फादर हो गए, फादर के ब्रदर के वो बेटे हैं, तो उसके चचेरे भाई हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक को प्लस कर दिया गया है, एक को माइनस कर दिया गया है, क्यू से एक प्लस किया गया आर हो गया है, फिर आर से एक माइनस किया गया क्यू हो गया है, और यू का अपोजिट लिख के दिया गया है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। पिछले वीडियोज में हमने बताया था आपको कि कैसे आप अपोजिट को याद रख पाएंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी का एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और आई से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एच एच एक्स। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सही जवाब इसका देने का। देखिए कि क्या लॉजिक इसमें यूज किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है। 3 8 यानी कि 24, 2 9 18 6 24,
इसमें भी देखिए 9, 8, 17, 7, 24, लेकिन इसमें देखते हैं 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं सबका सम हमें 24 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमें उसका सम 24 नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हैं तो यानी समझिए कि आप काफ़ी आसानी से रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, बस ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो पहले दिया गया 8 का क्यूब कीजिएगा हो जाएगा 512, यहाँ दिया गया 5 का क्यूब कीजिएगा हो जाएगा 125, यहाँ दिया है 6 का क्यूब कीजिएगा हो जाएगा 216, लेकिन यहाँ पर आप 7 का क्यूब कीजिएगा तो वो 345 नहीं होगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए देखिए पहले कैसे इसको किस लॉजिक पर किया है, आपको उसी आधार पर क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर बताना है कि यहां पर क्या आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप इसे बना पाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं इसे। देखिए 7 × 3 = 21, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा कर सके। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये सभी लोग जरूर इसका आंसर देंगे। देखिए पहले कितना डिफरेंस है 1, फिर उसको 2 times कर दिया, उसके बाद डिफरेंस हो गया 2 का 2 को, फिर देखिए पहले डिफरेंस है 1 का फिर है 2 का, यानी कि उसको डबल कर दिया गया है, पहले 1 का फिर 2 का फिर 4 का फिर 8 का, तो बाद में कितना हो जाएगा 16 का हो जाएगा, तो 17 में 16 आप ऐड कर दीजिए, सही जवाब हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन, चलिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। 4 options दिए गए, आपको बताना है कि इनमें जैसा करोगे वैसा भरोगे ये जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा सर्वनाम है आपको पहचानना है। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण लिखा हुआ है शब्द, आपको इसका संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। 4 options आपके सामने दिए गए हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुज और एसन। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है, आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी जो है वो किसने लिखी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में क्या अंतर्निहित का संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित लिखा है इसका संधि विच्छेद, आपको बताना है कि अंतर्निहित का संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्जोड़ निहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे सहायक सिद्ध होगी, इसमें 2 राय नहीं है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पहले सर्च करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी आप सर्च करके जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे सहायक सिद्ध होगी, इसमें 2 राय नहीं है, यह कथन किसका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें द्वंद्व समास है। 4 options देगा, आपको बताना है कि किसमें द्वंद्व समास है। समास आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूखा प्यासा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है किन में से सही शब्द कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावन में कौन सी संधि है। आपको बता रहे हैं कि पावन जो लिखा हुआ है उसमें कौन सी संधि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। आपको बताना है कि किस में बहुव्रीहि समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशानन यानी कि रावण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि चार ऑप्शन दिए गए, इनमें सही शब्द क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपकृति। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।